शादी पार्टी में जाते कैसे करते? एकला जाते हो? पूरा नाती पुता नहीं पता नहीं करते बच्चे सबको इकट्ठा करके लेके जाते हो, इसको कहते हैं फेस्टिवल। और यहाँ तो हम लोग एकला भी आना में कोई संडे दिखाई दे रहा है, कोई संडे आदि बोल, तो ये बड़ा अजीब लगते, क्या प्रेम है, क्या भाव है, कहते कि हाँ अच्छा लगते, सिर तो हिला देंगे सगर बड़ा अजीब कहानी है संसार की, हाँ बड़ा अजीब है। तो जो व्यक्ति रोज मंदिर में जाते हैं, रोज कीर्तन में जाते हैं, रोज कोई ना कोई कीर्तन करते हैं या धाम में जाते हैं, उसको क्या कहेंगे आप? जो हफ्ता में क्या महीना में मंदिर जाते हैं और एक व्यक्ति या एक माता रोज जाते रोज कीर्तन करते हैं, तो उसमें भाव में कौन सा भाव बेटर है? रोज जाती है, बस सिंपल है ना। तो रोज आने चाहिए और हफ्ता में आने चाहिए क्या महीना में आने हैं? रोज जाना चाहिए। तो एक दिन भी अभी कार्तिक महीना बीत गया, अब तो कोई दीप देखने के लिए आया नहीं भगवान को, ऐसा हम भक्त हैं, समझिए। इसलिए हम लोग को क्या होना चाहिए, भागवत में कहते हैं नित्यं भागवत सेवया, नित्यं माने रोज आना, ये सब कारण। रोज नहाते हैं, रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, सोते हो नहीं, रोज ये सब करते हैं हम लोग, लेकिन भगवान के कार्य को ठीक है जी ज्यादा बस नहीं, रोजाना होना चाहिए, रोज कीर्तन हो, रोज भजन हो, रोज बढ़िया से कीर्तन करे हैं क्या, तब जाके हमारा मन प्रसन्न होगा, आत्मा प्रसन्न होगा, अदरवाइज नहीं होएंगे हैं क्या, नहीं होगा। चाहे कहीं भी जाओ, कहीं भी कथा सुनो, कहीं भी कुछ भी करो, अगर आप कीर्तन में भाग नहीं लेते हो, हरिनाम कीर्तन में, हरिनाम कीर्तन ही हमारा शुरुआत कि अंधार से मैल को पूरा धो देते हैं। चित्त दर्पण मार्जनम, चित्त दर्पण मार्जनम, ये दर्पण को मार्जन करते हैं, सफाई करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या है कि हरिनाम कीर्तन करना चाहिए सदा सदा। कौन कौन कर सकते हो आप लोग सदा कीर्तन? आगे तक के लिए, आगे पीछे नहीं जानता हूँ मैं, सदा सदा माने ऑलवेज, खाते उठते बढ़ते सोते हैं हमेशा, हर वक्त सदा माने है, रात को दिन को सोते उठते बढ़ते हैं, सोते हुए कैसा लगते मुझे पता नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होते हैं रात को सोते हैं लेकिन वहीं कीर्तन करने के लिए जा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहे है ना। कुछ दिन पहले एक महाराज के साथ हम वही, तो इसलिए हम लोग को हरिनाम कीर्तन सदा कैसा हो, सदा कब होगा कैसा होगा, चार्ज में लगाने से आवाज तो नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भैरव के सदा कीर्तन करना चाहिए, कैसा कैसा होगा जब आप प्रैक्टिकल इसको नियम बना के रोज करोगे रोज। अभी नहीं चल रहा है, अभी कहाँ चलते हैं, ज़्यादा से कुछ प्रॉब्लम आ गया जाता है, सब बच्चे के कुछ समस्या आ गया तो हम लोग मन में गाड़ी हल नहीं पाएंगे है ना, कहीं चोट लग गया कोई नहीं दर्द होते तो वहीं जाते हैं मन में, वहीं जाते हैं दर्द हो रहा है मेरा दर्द हो रहा है, कहाँ कीर्तन ऐसा जीव कीर्तन कर सकते क्या, किसके किसके समस्या है आप लोग की, सबके समस्या है, जहाँ समस्या है वहां कैसा है ना होगा बताओ,
सत्यम आपके अगर कोई गलत हो उसमें अगर बोला जाए कि आप हरिनाम लो, लोगे बहुत दर्द हो रहा है आपके ले पाओगे उसी पे ध्यान रहेगा दर्द नहीं है। समझो कि बच्चे के फीस भरना है, समझो कि आपके घर में किराया देना है, तो क्या ये दर्द नहीं है? दिमाग में ही जाएंगे ना ऐसा उसका पूरा किया जाए। इसलिए कलयुग के जीव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं में रह के भगवान के नाम लेना बहुत कठिन है और इसलिए प्रैक्टिकल आपको साधु जैसा होते हैं ऐसा ही करना पड़ेगा। साधु गुरु जैसा बताते हैं, भक्त जैसा बताते हैं ऐसे ही करना पड़ेगा। सोलह माला जपने के लिए कहा था, सोलह माला रोज जपो, रोज सोलह माला। अगर सोलह माला जपोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्शियसनेस है वो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा अंदर से अपने आप। सोलह माला जपना आसान है क्या? है किसी को भी माला दे तो कितना माला जपते हो जी? एक माला। कितना साल से जी? दो साल हो गया एक माला जपते लो। है देखिए कितना माला आश्चर्य जपते हैं। और जो सोलह माला जपते हैं वो क्या साधारण व्यक्ति हो सकते क्या? है सोलह माला जो जपते हैं समझो कि उसका रूम रूम पे उसका भगवान के नाम में किया है। ये रूम रूम ये ऐसा नहीं। तो भगवान के नाम हम लोग को इस तरह से लेना चाहिए कि जैसा साधु गुरु बताया जैसा शास्त्र के अनुसार है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के देह है हरि नाम संकीर्तन और इसको जो फॉलो करेंगे तो उसको कृपा प्राप्ति हो। तो ठीक है सभी के समस्याएं हैं तो हमने क्या कहा समस्याएं जिसके हैं वो भगवान के नाम ले सकते हैं है? हो ही नहीं सकते ले सकते हैं लेकिन हो नहीं सकते उससे उससे हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसका दिमाग उसी में चलते हैं समस्याएं में उठा हुए। इसलिए क्या किया साधु गुरु क्या करने के लिए दिया आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया। अभी आप नाम नहीं ले रहे आप नहीं बोले कि हम हाजी हमारा नाम हो रहा है कि हमारा भक्ति हो रहा है। अभी तो हमको प्रैक्टिस में है प्रैक्टिस में कहां भक्ति हो रहा है सच्चाई है कि नहीं है? हाँ उसी का नाम हो सकते हैं जब हम लोग समस्या को समस्या नहीं समझेंगे कि ये आने वाले जाने वाले चीज है। हमको तो अपना लक्ष्य है भगवान के दिव्य नाम को लेना। जब इसको ठीक ठीक समझेंगे कि ये समस्या तो आने जाने वाले चीज है जैसा ये ठंडी के मौसम आ गया फिर आगे जाएगी गर्मी में पड़ जाएगा फिर गर्मी आ जाए फिर वही भी चला जाए फिर और ठंडी आ जाए तो ये दुख और सुख ये सब दुख सुख पता नहीं क्या है ये सुख है ये एक शरीर में आते हैं चला जाते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं मेरा दुख मेरे प्रॉब्लम है। अरे स्वामी कैसा जो मेरा प्रॉब्लम पहले ठीक हो जाए। अरे वो ठीक कभी नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम आ जाएगा उसने किसी जो रियल ट्रूथ है वो और कुछ प्रॉब्लम समस्या आ जाएगी। इसलिए हमको क्या करना चाहिए उस प्रॉब्लम में रहते हुए जब आप कृष्ण नाम लोगे प्रॉब्लम माने वो माया माने क्या है अंधकार। कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण है वो सूर्य सम है जैसा सूर्य निकालते हैं तो सारा अंधेरे है? तो कृष्ण है सूर्य सम और कृष्ण क्या करते हैं सूर्य ये नहीं कि पहाड़ है इसको नहीं देना है क्या ये काले है इसको नहीं देना है गोरे को देना है नहीं सभी को बराबर भगवान बराबर सभी के ऊपर सभी तो जहां कृष्ण नाम कृष्ण है सूर्य सम अगर माया में है आप
हमेशा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर प्रॉब्लम में लेके आप भगवान के दिव्य नाम लोगे, ये दिव्य नाम लेते ही ये साक्षात कृष्ण आपके पास आपके जीवन में नाच रहे हैं। जब भगवान के दिव्य नाम लोगे तो ऑटोमेटिकली जहां कृष्ण तहां नहीं माया और अधिकार, फिर डार्कनेस चला जाएगा और उसमें प्रकाश आ जाएगा। हाँ, तो हमेशा हम प्रॉब्लम नहीं लेके उसमें घुट रहे हैं, उसी में रह रहे हैं, उसी में बस कोई उपाय नहीं ढूंढ रहे। एक ही उपाय है इस अंधकार से बचने के लिए, अंधकार से बचने के लिए एकमात्र हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम को लेना माने क्या है, हम लोग भगवान से प्रे कर रहे हैं है? क्या के प्रभु, हे राधा रानी, मुझे आपके प्रभु की सेवा में लगाइए।